Assalamu alaikum. Hi friends, how are you? Welcome to Software Developers Pakistan. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको PHP प्रोग्रामिंग में भी खुश आमदीद कहता हूँ. दोस्तों, हमारा ये PHP प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का दूसरा लेक्चर है. इसमें मैं आपको PHP प्रोग्रामिंग के लिए टूल्स दरकार होंगे, उन्हें कैसे डाउनलोड करेंगे और उन्हें कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. दोस्तों, गूगल क्रोम खोलें और सर्च बार में जैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्री लिखकर सर्च करें. जैसे ही आपकी सर्च कंप्लीट होगी तो दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड एजैम अपैची फ्रेंड्स. इस लिंक पर आपने क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा. इस पेज पर से जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है वो आपने डाउनलोड कर लेना है. दोस्तों, इसके अलावा हमें टेक्स्ट एडिटिंग के तौर पर नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी. आप गूगल सर्च बार में नोट पैड प्लस प्लस लिख कर फाइल हिपो एक साइट है, इस पर जाना है आपने और यहाँ से जो भी लेटेस्ट फीचर हो उसे डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है. इसके साथ ही हमें ड्रीम वीवर की भी ज़रूरत पड़ेगी. ड्रीम वीवर डाउनलोड विधि सर्च बार में जैसे आप लिखकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन, बहुत से लिंक्स आ जाएंगे, मगर आपने जो ये पहला लिंक है इस पर क्लिक करना है. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा और इस विंडो के ओपन होते ही आपको इधर डाउनलोड रिमूवर CSCC फॉर विंडोज़ इस पर क्लिक करना और डाउनलोडिंग आपने डाउनलोड करने के बाद इसे भी इंस्टॉल कर लेना है. दोस्तों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं और इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं आपको जस्ट इनका व्यूज दिखाऊंगा. जैन हम सर्च बार में जाएंगे. जैसे कंट्रोल पैनल पेज पे हमने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो जैम का ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा. ये हमारे पास जैम का विंडो आ गया. इसके अंदर अगर अपाची MySQL फाइल जिला आपके पास इधर ये इनके स्टार्ट नहीं है, रनिंग पोजीशन में नहीं है, सब अगर ये रनिंग पोजीशन में होंगे तो ये ग्रीन नज़र आएंगे. अगर ये रनिंग पोजीशन में नहीं है तो आप इन्हें स्टार्ट कर लें. इसको स्टार्ट करने के बाद आप इसे पीछे कट कर दें, ये बैक एंड चलता रहता है ये जैम. और इधर ये जैम का ऑप्शन आइकन के इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये अपाची हमारा और उसके अलावा MySQL फाइलजिला ये रनिंग पोजीशन में है. अपाची क्योंकि PHP प्रोग्रामिंग को रनिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म है. उसके बाद MySQL डाटाबेस है, फाइलजिला फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. दोस्तों, ये हमारा जैम भी डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो चुका है. इसके बाद नोट पैड प्लस प्लस, हम सिंपल नोट पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नोट पैड प्लस प्लस आखिर क्यों इसमें यूज़ करते हैं. नोट पैड प्लस प्लस के अंदर एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर अब देखें लाइन्स की शक्ल्स में, ये लाइंस नंबर की शक्ल्स में यानी कि कोडिंग होती है. और अगर हमारा प्रोग्रामिंग के दौरान कोई एरर आ जाता है प्रोग्रामिंग में तो हमें लाइन नंबर देखते हुए हम उस एरर को आसानी से और जल्दी हम इजीली उसे करेक्ट कर सकते हैं. और ये ड्रीम वीवर जैसे आप ओपन होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा ड्रीम वीवर ओपन हो गया. जब दोस्तों आप ये सब यानी कि जो टूल्स हमारे इंस्टॉल हो गए हैं तो अब इंशाल्लाह